नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल द डिवाइन संसार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता रानी के आठवें स्वरूप माँ गौरी के बारे में और माँ दुर्गा की शक्ति के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। रात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति माँ गौरी की पूजा करने का विधान है। माँ गौरी माता पार्वती का वो स्वरूप है जो भगवान श्री गणेश की माता के तौर पर भी जानी जाती हैं। माता के ये रूप सौंदर्य, ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों से जुड़ी हर समस्या, जैसे उनकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य आदि के लिए भी माँ गौरी का व्रत और पूजन अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको माँ गौरी की उस कथा से अवगत कराएंगे जब महादेव के अपार प्रेम और देवी की गंगा की प्रवृत्तता के संगम से प्रकट हुई माता माँ गौरी। जानेंगे उनके स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति देवी माँ गौरी है। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ गौरी के रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। देवी माँ गौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद ही हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ गौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने और के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। माता के स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमय भी कहा जाता है। धन्यवाद।